स्टार्ट मार दे अब मैंने स्टार्ट किया तो स्टार्ट स्टार्ट कर तू स्टार्ट कर और सो जा आज का व्लॉग आई निमिशन व्लॉग ओके वतिंद आई निमिशन व्लॉग कितने बजे चालू कर रहे हैं 12 ही गई निमिश 12 ही गई निमिश 11:55 को व्लॉग शुरू कर रहे हैं और हम शायद 12 बजे व्लॉग खत्म करेंगे 12 बजे हाँ तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ और जल्दी आपको बताऊंगी वो क्या है तो देखिए यहाँ पे व्लॉग क्या ड्रम रोल प्लीज तो ये है मेरा नया बिजनेस क्रंचेस और इसमें से मैंने एक ऑलरेडी ले लिया है पेन भी लिया है इसमें ऑलरेडी तो ये रहे वो क्रंचेस बहुत दिनों से एक्चुअली मन था ये बनाने का बहुत दिनों से ये देखिए खूबसूरत ना एक्चुअली जब हम स्कूल मेरे हाथ पे और ज्यादा अच्छा लग रहा था कॉलेजेस में जब थे ना तब हम अपने मैचिंग ड्रेस की क्रंचेस ये लूज आती ननंग नन कई सान तो वो जो है वो फैशन वापस आ गया है और मुझे बड़ा मन कर रहा था थोड़े तो सिलाऊं मेरे क्लाइंट्स के लिए सिलाऊं मैंने ये सारे अपने क्लाइंट्स के लिए ही सिलाए मेरे पार्लर कुछ भी नहीं छोड़ेगी चॉकलेट सब सोप क्रंचेस ये तो मैंने सिर्फ अपने पार्लर के क्लाइंट के लिए बनाया है बहुत ज्यादा नहीं लाई हूँ मैं बस थोड़ा सा ही मटेरियल लाई हूँ मेरे क्लाइंट को पसंद आएंगे तो वो लेंगे क्योंकि मेरे क्लाइंट्स कभी कभी हेयर कट होने के बाद पूछते हैं आपके पास रबर्स है या फिर आपके पास क्लिप्स है तो ये थोड़े से सर मैंने मेरे क्रिएशन अगर मैं बना के दूंगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा लाइन बनाते थे अब थड़ी नाइन मंडी लाइन बनाते थे अम्मा थड़ी नड़ीते थे माता इसी व्लॉग में मिलेंगे बट हम कल मिलेंगे क्योंकि मेरा बहुत हेडेक हो चुका है मार्केट गिरकेट घूम के आके पार्लर जाके फिर घर आके फिर खाना भी पकाना प्रॉपर चपाती रोटी सब्जी दाल ये सब चाहिए हमारे खाने में तो वो भी नहीं बोलेगी तो मेरा पेट भरना चाहिए अपा जी का पेट बेचारा आज तो सुबह ना नाश्ता करके गया ना खाना खाने आया तो रात को भी उसको पेट भर खाना नहीं दूं मैं और उसको तो ये सरप्राइज ही था मैं मार्केट गई से उसको पता है नहीं मैंने आज सामान लाया सो पता है नहीं सिला मार्केट गई से पता है क्योंकि मैंने उसको बताया था कॉल करके कि मैं मार्केट में हूँ बोला क्यों मार्केट क्यों गई नहीं कुछ जरूरी सामान था इसलिए गई हूँ वैसे मैं अकेले मार्केट नहीं जाती तो उसको लगा कि जरूरी होगा कुछ इसलिए गई है जब वो वापस आई उसने ये सब दिखाया क्या है वे तू ऐसे करके डांट के सो गया है अभी खाना खा के वो आज बहुत थक गया था तो वो ज्यादा मिला भी नहीं मुझसे ये भी मुझे बहुत पसंद आया देखो चीता प्रिंट वाला ये वाला एंड ये वाला ये वाइन कलर का भी मुझे बहुत पसंद आया है कहाँ गया ब्लू वाला मेरे हाथ में ये भी मुझे बहुत पसंद आया है ये भी बहुत पसंद है ये इंग्लिश कलर भी मुझे बहुत पसंद है तो मेरे क्लाइंट्स को उसमें हिंदी कलर कौन सा है बोलो हिंदी ये देखो हिंदी बोला ना हिंदी बोला ना हिंदी कमेंट करो कि किस मूवी से ए नहीं रे बाबा मुझे डर लगता है आजकल कॉपीराइट के बारे में तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं आपको कल मेरे पार्लर में ये सारे क्रंचेस हम क्रंचेस प्लीज क्रंचेस बो सरों के बो नहीं है वो मेरे भाषा में बोलो जाऊं तो सर का बो इंस्टाग्राम पे चेक करो क्या क्रंचेस क्रिएशंस बाय मिथिला अच्छा क्रिएशन बाय मिथिला करके इसने मेरा एक नया अकाउंट खुलवाया है ये सारे जो मैं क्रिएट करूंगी जो भी जितनी भी एसेसरीज हो या जो भी हो या सोप हो उसके लिए हमने अलग अकाउंट बनाया है तो आप जरूर जाके चेक कीजिएगा मैं इसके इस वीडियो के एंड में आपको मेरे तीनों इंस्टाग्राम अकाउंट की आईडी दे दूंगी तीन इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी क्या करना बहुत बिजी पर्सन हूँ मैं यू नो बहुत ही ज्यादा बिजी ये मैंने नया नाइटी खरीदा है आज वैसे बैक बाय द वे मार्केट में चलो कहीं हम यही व्लॉग कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स कल ओके चलो गुड नाइट बाय बाय हेलो फ्रेंड्स तो वेलकम बैक टू आवर चैनल वैसे तो ये व्लॉग जैसे कि शुरू हो ही चुका है कल लेकिन फिर भी वेलकम बैक टू आवर चैनल कैसे हो आप सब लोग अच्छे होंगे हेल्दी होंगे यही आशा करती हूँ और हम सब भी बहुत ही अच्छे तो ये देखिए मेरे सारे स्क्रंचेस जो मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं अभी इसमें बहुत सारे सिलाने हैं बहुत सारे पैटर्न्स भी बनाने हैं बट फिलहाल जो रेगुलर पैटर्न है मैंने वही सारे स्टिच करके लाई हूँ आप इसकी शाइन देख ही सकते हैं देखिए सुपर्ब शाइन है और सॉफ्ट है हाथों में भी और स्टिफ भी है सॉफ्ट होने के साथ साथ स्टिफ भी है और ये देखिए इस ये भी ना थोड़ा शाइनी है फ़ोन में उतना नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है और इसका भी क्लॉथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है मतलब एकदम ही
पहला क्लाइंट कौन आएगा। वैसे मुझे कल व्हाट्सएप पे एक डीएम आया था कि बेस्ट प्राइस में मुझे थोड़े क्रंचेस चाहिए, तो देखेंगे फ्रेंड्स फर्स्ट क्लाइंट कौन बनती है मेरे क्रंचेस की। मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। मैं जब भी कुछ नया प्रोडक्ट बनाती हूँ या नई कोई चीज़ करती हूँ जिसके क्लाइंट का मुझे इंतज़ार रहता है, वो मेरे लिए ना एकदम एक्साइटमेंट वाली चीज़ है। जैसे बच्चा होता है ना, पेपर दे दिया अभी रिजल्ट की चिंता, ऐसा ही हो रहा है मुझे। मैं वेट कर रही हूँ जब मेरे क्लाइंट आए, वो ये देखे और पूछे कि ये कैसे है, क्या है, हमें दीजिए, हमें बहुत पसंद आए हैं, बहुत अच्छे बने। ये सारी चीज़ें जब मैं सुनूंगी ना, तो मेरा जो बनाना होगा ना ये रात भर बैठ के वो सार्थक हो जाएगा। मैं कल 1 बजे तक सॉरी झूठ नहीं बोलूँगी, 1 बजे तक बनाते बैठी थी, और उसके बाद फिर 2 वीडियो भी थे इसी के ऊपर, तो वो भी एडिट करके मुझे डालने थे। धड़म करके फ़ोन गिर गया, तो मोर जाके आई हूँ मैं, थैली लेके नहीं गई थी, तो ऐसे ही लेके आई हूँ सारी चीज़ें। तो अभी जाके पहले खाना बनाएंगे। मेरी हालत देख रही है आप, कितनी खराब दिख रही है, धूप में जाके आए ऐसे दिखती हूँ मैं। तो घर आ गई हूँ, आजकल मैं थोड़ा सा भी चलने नहीं हुआ, मोर तक भी जाके आने में नानी आ गई, फ़ोन से ही बजा रही हूँ। जो ये मेरे पेड़ पौधे हरे भरे लाल नीले पेड़ पौधे, चलो अंदर चलते फिर ऐसे मिलते। तो फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी। पत्ता गोभी के अंदर मटर डाल के बनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी फेवरेट है, जानू की फेवरेट है। रात को उतनी पसंद नहीं है बट बेचारा खा लेता है, मैं बनाती हूँ तो उसको। पत्ता गोभी में ये चाहिए होते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब उसको पत्ता गोभी नॉर्मल चाहिए होती है, बट हमें पत्ता गोभी में क्या है थोड़ा सा क्रंच चाहिए होता है, तो इसलिए हम उसमें डालते हैं मटर। अगर आप पत्ता गोभी नॉर्मल बनाते हो बिना कुछ, मतलब उसके अलावा उसमें कुछ नहीं डालते, कुछ लोग चने की दाल डालते हैं, कुछ लोग उड़द की दाल भी डालते हैं, बघार में डाल देते, मैं डालती हूँ मटर। मटर से टेस्ट बढ़िया आता है। तो फ्रेश फ्रेश मुझे मिले हैं करी लीव्स, मुझे इस तरह के फ्रेश करी लीव्स बहुत पसंद, बहुत ज़्यादा, तो मैं वो बहुत भी डालती हूँ। करी लीव्स खाना चाहिए पेट के लिए, सर के लिए, बालों के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स खाना गिना खा के मैं पार्लर आई हूँ, और आने से पहले मैंने और थोड़े से क्रंचेस स्टिच कर दिए, ये ब्लू कलर के सारे ख़त्म कर दिए, मतलब मैंने 1 2 3 4 5 ब्लू कलर के स्टिच किए, बाकी सभी सिंगल सिंगल है, बाकी सभीों की बारी आएगी। सबको मैंने काट छाट के रेडी करके रखा है, तो घर जाती आज रात को भी सिलाने का काम स्टार्ट हो जाएगा। और मुझे एक्चुअली एक क्रंच पहनना है, तो मैं सोच रही हूँ पहले एक क्रंच, इसको क्या बोलना, क्रंचिस, क्रंचिस या बो, जो भी हेयर एसेसरी जो मैंने बनाई है वो एक तो पहले सेल हो जाए, एक की बोनी हो जाए, फिर मैं भी लेके पहनूंगी, मुझे पहनना है, इसलिए मैंने आज इस तरह का हेयर स्टाइल भी बनाया था कि उसके ऊपर मैं इसे पहनूँ उसे, बट एक भी नहीं दिखा। बैड बैड न्यूज़, बच्चे बहुत खेल रहे बाहर, तो एक भी नहीं बिका है। आज पहला दिन है, अभी शाम होने लगा, सुबह जो आए थे क्लाइंट उन्होंने हमने कल ही ले लिए दीदी ऐसे कहा, तो उन्होंने भी नहीं लिए, बट मैंने बहुत रिजनेबल प्राइस रखी है, एंड आई एम श्योर कि मेरी स्क्रंचेस बिक जाएगी। मैंने बहुत मेहनत से और बहुत ही प्यार से बनाई, लेट्स सी। पहला जो बिकेगा ना, जो भी मेरी पहली क्लाइंट खरीदेगी इसे, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। अगर उन्होंने मुंह छुपाना चाहो तो मैं ज़रूर उनका मुंह छुपाऊंगी, बट मैं ज़रूर इसकी, मतलब बोलते हैं ना, गवाह बनाऊंगी उनको मेरे फर्स्ट क्रंच खरीदने का। देखेंगे कौन बनते हैं। तो फाइनली मेरी फर्स्ट क्लाइंट जो है वो स्क्रंचेस खरीद रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने 2 और एक जो क्लाइंट वहाँ मेरी खड़ी है उस उन्होंने 1 क्रंचेस खरीदा है। वो चाहते थे कि उनका चेहरा ना आए, तो इसीलिए हमने हाइड किया था चेहरा, बट मैं बहुत खुश हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे पहले 3 स्क्रंचेस बिक चुके हैं, मैंने इसमें से 3 क्रंचेस दिए, एक ब्लू वाला, एक यही सेम मेहंदी कलर जो है उसमें से लाइट वाला एक, और एक कौन सा, हाँ, और एक जो चीता प्रिंट वाला था। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। और क्लाइंट को मेरे जो परचेसिंग रेट भी था, मतलब उनको जो मैंने कॉस्टिंग लगाई है, वो भी उनको बहुत पसंद आई, मतलब रिजनेबल लगी, लाइक रिजनेबल लगी, उनको अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने 3 ले लिए। सो आई एम हैप्पी। तो ये बिकेंगे, अभी इसकी मुझे गारंटी है। चलिए
अब भी बैठी हूँ, देखो बहुत क्लाइंट थे, बहुत क्लाइंट थे, लेट हो गया, 8:30 बज गए। वैसे मेरा रेगुलर टाइम है, बट मतलब कंटिन्यू क्लाइंट थे, मतलब 2 मिनट बैठने का भी टाइम नहीं मिला, इसलिए ऐसा लग रहा है बहुत टाइम हुआ। कंटिन्यूस खड़ी ही थी, अब भी बैठी हूँ। पैर कमर बहुत दर्द हो गई फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। वेट लॉस करना ही पड़ेगा वापस अगेन। इंदु नोड़ी, वो मेरे कपड़े सिलाने के, मैंने एक सिलाया, एक सिलाने का। लोग सोच रहे होंगे कल से इसी नाइटी में है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं ये नाइटी कल पहनी थी, लेकिन वो क्या था ना, नई नाइटी ना, वो मुझे गर्मी बहुत हो रही थी तो मैंने निकाल के पानी में डाल दिया और सुखा दिया था। मैंने रात को अलग पहना था, ये सुबह पहने फिर नहा के पहना है। तो आप लोग समझ रहे हो कि कल से इसी नाइटी में, ऐसा नहीं है। वो नया नया कपड़ा, वो पसीना खींचता है। कल इसी से मैं शुरू किया, कल इसी से, कल इसी समय शुरू किया था, कल भी इसी से। क्या विकेट जा रहे रे आरसीबी के, सॉरी सीएसके के। इधर इधर बात, उड़ उड़ के कैच पकड़ रहे हैं आरसीबी वाले, उड़ के। तो मैं अभी यही सिला रही हूँ पहले, क्योंकि ये मैंने दो ही सिला के रखी, तो सबको पहले आते ही वही पसंद आ रहा था, तो दो लोगों ने ले ली भी लिया है। अब मैं आज रेडी करूंगी, और कल संडे, कल भी रेडी करूंगी। कल हमारे जैसे कि बताया मैंने, आज मैंने बहुत सारी बातें रिपीट बताई है क्लाइंट्स। सब स्लो माता रहा है, इधर उधर सुनते हैं। मुझे नींद आ रही है, पता है नींद आ रही है, बट ये नहीं सिला के सोऊंगी ना तो मैं ढंग से सो भी नहीं पाऊंगी। खुजली बहुत है मुझ में, क्या है ना, अगर कोई काम मैं आधा छोड़ के सो जाऊँ ना, नींद ही नहीं आती साली, इतनी खराबी है नींद मेरी। तो इसलिए थोड़ा सा तकलीफ होगा मुझे, बट मैं कंप्लीट करके सोऊंगी। पीठ अभी पहले जैसे नहीं है, अभी पीठ दर्द होती है अभी काम करने पे। देखूंगी ये अगर बहुत बड़े पैमाने पे मेरा निकल पड़ा बहू बनाने का बहू क्रंचीस बोलने नहीं आता, क्रंची बहू बनाने का अगर मेरा काम, तो मैं फिर रख लूंगी काम ये सिलाने वालों को। तो अभी ये मैंने मैं सिलाऊंगी, मुझे पैसे दो। नहीं तू पढ़ ले बाबा, 10th अपना आराम से खत्म कर ले पहले, फिर देख। 10th नेक्स्ट ईयर, तो वही तो 9th, अभी तो बेस है। अब भी अगला, हाँ तो उसमें डालना है ना, उसको ऐसे डाल के डालना है। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे आपके साथ। मेरा तो अभी बहुत काम बाकी है, 24 hours in, exact 24 hours in लगे व्लॉग। हाँ exact 24 hours का, मतलब वीडियो ही नहीं, बनाने का ड्यूरेशन वीडियो ही नहीं, ड्यूरेशन। मेरा बच्चा बहुत प्यारी बातें करता है व्लॉग में, बाकी टाइम तो मारने का मन करता है। अभी 5 मिनट मेरे ऊपर ऐसे चिल्लाई है कि 5 मिनट पहले पूरे बिल्डिंग को पता चले। हाँ तो ऐसे करती है काम, पापा पिंटिया करे आपका चावल ही नहीं बनाती, पिंटिया करे का खाना बना के नहीं रखती। जब हम उसको बोलते हाँ बोलती है हर काम को, कुछ भी तेजू चांद लेके आ, चांद को तोड़ के लेके आ, हाँ बोलेगी वो, उसको भी हाँ बोलेगी करना। इलाद्र बैठी वो मानते नहीं, लेकिन करने का नहीं, या करना दिना के चाहिए मारते दिना कसा ओढ़े तीन दिना कल ओढ़े तीन दिना अरबी दे बे अरबी करके वना हकते। हाँ लेकिन अभी मैं उसको इतने सारे काम गिनाई ना, अभी मैं उसके खोट गिनाती हूँ। कपड़े सुखाएगी, एक बकेट रखेगी वैसे ही भर के, बर्तन लगाएगी। अभी चुप बैठ, अभी तू बोली ना, नहीं अभी तू बोली, अभी मुझे बोलने दे। बर्तन लगाएगी, एक बुट्टी रखेगी वहीं पे, झाड़ू निकालेगी पोछेगी नहीं, वो रूम नहीं निकालेगी। ये ऐसे काम होते हैं तो कौन इसको बोलेगा हाँ हाँ काम करती है। रात्रि मटा मुख दे तवी ले ला, ये क्या बात हुई, तो फिर नहा मत तो सुबह, सुबह में नहाती भी नहीं है वैसे भी, वो दोपहर में नहाती है। 11 o'clock ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಸನಾಗಿರ್ತೈತಿ. ನೀ ಮನೆಯಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಿ? 12 1 ನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನೇ ಇಟ್ಕೋ, ನಿನ್ ಮಗಳಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏ ಮಿಟ್ಕೋ, ತು ಯೇ ನಯಾ ಬಹು ಮೇರಾ, चल सारे तुझे ही दूंगी तो क्लाइंट को क्या दूंगी। चलो फ्रेंड्स बाय बाय, आपको हम मिलेंगे कल किसी अच्छी वीडियो में, किसी अच्छे व्लॉग में, मत घुमा उसको। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। इससे सेकंड्स में चेंज होती है ये कैमरा के सामने, चल जा।